पहले तो कामी भाई को बोली कि थोड़ा खुल के हंसे, उन्होंने हंसी दबा रखी है। अजी सानू नहीं टिकट मिल रहे थे, तुहानू किद्दां मिलेगा? एक कामरा मैंने अपनी हंसी रोक के रखी, वो कह रहे 14 अक्टूबर को मैं हंसूंगा एक साथ। और अगर बारिश हो जाए तो विक्रांत? बारिश नहीं है वासिफ भाई, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वैसे सुरेश जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ये मैच में बात करने से पहले, एक जबरदस्त गेम होने वाला है, दुनिया स्पोर्ट्स का एक बड़ा इवेंट होने वाला है, 130,000 तमाशाई होगा, क्या वंडरफुल साइट होगी। ये और ज्यादा मजा ना आता अगर, मैं भी किसी पॉलिटिकल डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन अगर ये, अभी हम सबको मालूम है कि 130,000 में से 130 पाकिस्तानी भी नहीं होगा, वो अगर थोड़ा सा ये इश्यूज ना होते जो भी हुए बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, तो एक ज्यादा बेहतर साइट होती है, एक ज्यादा एक अच्छी साइट होती स्टेडियम में, ज्यादा मजा आता हमें और आपको दोनों को, इजंट इट? पहले तो कामी भाई को बोली कि थोड़ा खुल के हंसे, उन्होंने हंसी दबा रखी है। हंसे भाई हंसे, खिल खिला के हंसे, अभी हंसते हैं। हंस दिए थी, हंस दिए सर। कैसे आप? ठीक है जी, आप सुनाए, ठीक ठाक है? भाजी सानू नहीं टिकट मिल रहा है इतने, तुहानू किद्दां मिलेगा? आप अपना एड्रेस भेजते, हम यहाँ से भेज देते। लेकिन ये टिकट का तो अंडरस्टैंड, वो कोहली का भी मैंने देखा, उन्होंने भी ट्वीट किया था। फिर आप लोग आ नहीं पाओगे ना, वीजा भी तो लगना है। वही मैंने कहा, तो ये अगर उस तरह की इश्यूज ना होते तो ज्यादा बेहतर माहौल ना होता, क्या लगता है आपको सुरेश भाई? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से हम पहले खेलते आए हुए हैं, वो अभी थोड़ा सा माहौल अलग है। जिस तरीके से पाकिस्तान अभी अच्छा कर रही है, टीम इंडिया भी बहुत बेहतर कर रही है, और मुझे लगता है कि धमाकेदार मैच होने वाला है। और जिस तरीके अहमदाबाद में आपने बोला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है, जिस तरीके से क्राउड आएगा, जिस तरीके से दोनों टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, और मैं खेला हूँ कमरान बाजी के साथ, और अजहर अली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत रन बनाए इंडिया के साथ, और अच्छा मुकाबला होगा। और बासित भाई इतने बड़े लेजेंड रहे अपनी टीम के लिए, कमरान बाजी हंस दो यार, फिर कोई मुंह बंद रखा तुम्हें? एक कामरा मैंने अपनी हंसी रोक के रखी, वो कह रहे 14 अक्टूबर को मैं हंसूंगा एक साथ रात में ना, मजेदार टिकट के बारे में। मैच अच्छा हो जाए ना रैना जी, फिर मिलके हंसेंगे, फाइट अच्छा मैच हो। कामी भाई, नहीं मैं कह रहा हूँ कामी भाई, ये ना हो कि 14-14 का इंतजार हम करते रह जाएं, क्योंकि देखिए एक की हंसी होनी है उस दिन, और एक की हंसी जो है वो बंद हो जानी है, तो आ जाते। और अगर बारिश हो जाए तो विक्रांत? बारिश नहीं है वासिफ भाई, बारिश नहीं है विक्रांत जी, हम आपको अपडेट यहाँ से करते रहेंगे, बस बारिश नहीं है। यो विक्रांत, द हीट इज ऑन, बारिश नहीं है बहुत ज्यादा। विक्रांत जी पता है क्या, मैच अच्छा होना तो डेफिनेटली फिर दोनों ही हंसेंगे, फाइट हो दोनों तरफ से तो मजा आएगा मैच देखने का। दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, दो दो मैच जीत के आ रही हैं, अच्छा मैच, तो कॉन्फिडेंस है दोनों टीमों को। लेकिन अब देखते हैं कि जो मैच शुरू होगा कौन इस प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करता है। रैना को तो पता है, इतना पाकिस्तान से इसका काम शुरू हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पहला टूर 2006 में जब आया तो इसको पता कि कितना प्रेशर होता है। तो पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छा मोमेंट है, इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना, हीरो बनने का मौका है, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तो डेफिनेटली इस मैच से बड़ा फायदा होगा। और अगर विक्रांत भाई, यही चीज मैं मदन लाल जी से पूछूंगा कि सर क्या लगता है आपको, एक तरफ जाहिर है वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड इंडिया का शानदार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने अभी पिछले मैच में कमाल कर दिया, हाईएस्ट एवर चेज ऑफ वर्ल्ड कप, ओपनिंग के मसाइल थे दो चार थे, वो अब्दुल्ला शफीक ने आगे बहुत कमी पूरी की, पाकिस्तान का इंडिया में इंडिया के खिलाफ खेलने का रिकॉर्ड अच्छा है, ये सारी सिचुएशन देखते हुए अगर मैं आपसे स्ट्रेट सवाल ये करूं कि आपके ख्याल में विच टीम हैज अ बेटर चांस टू विन? नहीं देखिए, आपने जो पहली बात की है कि 130,000 लोग बैठे होंगे स्टेडियम के अंदर, हाँ। और कोई पाकिस्तानी नहीं बैठा होगा वहां पर, हाँ। और एक बात आपको बता रहा हूँ, अच्छी क्रिकेट की दाद देने वाले बहुत है यहाँ पे, अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो यहाँ पे जो हमारे दर्शक है वो उसकी दाद जरूर देंगे। आई होप ऐसा ही, लाइक वी वर सो हैप्पी जब हैदराबाद दक्कन में जो हुआ, बिल्कुल ठीक। बैंगलोर की याद है वो अच्छी नहीं है, वो वाले आमिर सोहेल वेंकटेश प्रसाद वाली, तब सन्नाटा हो जाता था, लेकिन हैदराबाद दक्कन में क्या जबरदस्त। आई एग्री, अलग अच्छी क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट सबको दाद देनी चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से हमारी तरफ। मेरा ये भी मानना है वसीम भाई की, वसीम भाई मेरा ये भी मानना है कि जो होस्ट कंट्री होगी, और होस्ट कंट्री मतलब अगर हार रही होगी तो कोई भी ऐसा तमाशा ही नहीं होगा होस्ट कंट्री का जो खुश होगा। आपने बात की बैंगलोर की, आपने बात की हैदराबाद में जो भारत के फैंस ने पाकिस्तान को वेलकम दिया। मैं आपको चेन्नई टेस्ट मैच भी याद कराता हूं, चेन्नई टेस्ट मैच तो वाहिद ऐसा टेस्ट मैच था ना जहां पर पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को उस वक्त स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। और एक सिमिलर चीज हुई थी 2004 में जब हम पहला कराची में वनडे मैच जीते थे, वहां पे कराची में पाकिस्तानी फैंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। बट ये बहरहाल वर्ल्ड कप है, ये मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल का मैच है, ये वर्ल्ड कप का मैच है। और यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया का हाल हो रहा है, अचानक से टॉप चार में जो फेवरेट टीम थी वो ऐसा लग रहा है कि फिसल रही है, एक साउथ अफ्रीका की टीम जिसको किसी ने शायद गिना नहीं था वो टीम ऊपर जा रही है, तो ये दो पॉइंट ना तो इंडिया छोड़ना चाहेगा ना पाकिस्तान छोड़ना चाहेगा। मैं तो ये मानता हूं कि दोनों दो दो जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन
एडवांटेज इंडिया के साथ है क्योंकि एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा कर आया हुआ है। मैं ये अजहर भाई आपसे शुरू करता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की जो कम्बिनेशन है इस वक्त वो एक जिसमें आइडियल कम्बिनेशन बन गया है। अगर आप 6 महीने पहले जाएं तो इंडिया की टीम का वो कम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा था, इंजरीज थी, बैटिंग ऑर्डर को लेके भी काफी सवाल देखे जा रहे थे, लेकिन सडनली उनकी ऐसी प्लानिंग थी कि जैसे ही वर्ल्ड कप आया है केएल राहुल भी फिट हो गए हैं, उनके जो कम्बिनेशन है जो उनके नए यंगस्टर्स हैं शुभमन गिल, अनफॉर्चुनेटली हमारी दुआ है कि वो जल्द ठीक हो और उनको भी हम खेलता हुआ देखें, लेकिन जो जितने भी नया टैलेंट इंडिया का आया है वो उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं टीम के अंदर। तो आई थिंक इंडिया की इस टाइम जो कम्बिनेशन है वो आइडियल है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का गेम हो तो ऑन द डे जो आप कैसा खेलते हैं, हम पास में देख चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि टीम आपकी बहुत अच्छी हो और वो ऑन द डे उस तरह परफॉर्म कर सके। क्रिकेट है, बाय चांस है, टॉस का भी फैक्टर समटाइम हो सकता है। जो स्टार्ट है स्पेशली पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर पाकिस्तान अच्छा स्टार्ट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस। बट विक्रांत, तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, मुझे तो विक्रांत सर बहुत ज्यादा अच्छे लगते क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करता है, बाबर आजम को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तानी, जितने भी लड़के हैं जितने भी प्लेयर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में ही बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।